तो आपकी आपकी पिछली वीडियो बीच में से इट्स स्टॉप्ड, तो यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस, तो इसमें जो है आपका क्या होता है कि कैपिलरीज के दरमियान और जो है फ्लूइड्स इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है। कैपिलरीज के बीच में जो फ्लूइड होते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इनके दरमियान में कैसे, थ्रू ब्लड प्रेशर एंड थ्रू थ्रू ब्लड प्रेशर एंड थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर। जब कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाता है तो ऑस्मेटिक प्रेशर से, कैपिलरी प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो फ्लूइड जो है कैपिलरी से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा, ठीक है। और जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो है प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वहां से फ्लूइड मूव करके कैपिलरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो जब कैपिलरी से फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा तो उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, और जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फ्लूइड कैपिलरीज के अंदर आता है तो हम उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, इट वेरीज विद द प्रोटीन कंसेंट्रेशन। अच्छा, अब ये जो जितना भी प्रेशर है ये किस पे डिपेंड करता है, प्रोटीन की कंसेंट्रेशन पर। लो प्लाज्मा प्रोटीन लेवल्स लीड टू रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड पॉसिबल एडिमा। एडिमा होता है, एक सिचुएशन होती है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर पानी भर जाता है और आप हाथ लगाएं तो पानी का निशान जो है वो रह जाता है, तो वो पानी आप फूले हुए होते हैं, ठीक है, तो स्किन के अंदर नीचे पानी आया हुआ होता है, उसको हम एडिमा कहते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, ये जो प्रेशर ऊपर नीचे होता है ये प्रोटीन की कंसेंट्रेशन की वजह से होता है। अगर लो प्रोटीन लेवल होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, अगर हाई प्रोटीन लेवल होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन टिश्यूज। ड्यूरिंग नॉर्मल मेटाबॉलिज्म बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर फॉर्म्ड, बट द एसिड्स प्रीडोमिनेट। द बॉडी मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस एट नॉर्मल लेवल थ्रू सेवरल मैकेनिज्म्स इंक्लूडिंग यूज ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स एज बफर्स। तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एसिड और बेसिस दोनों बनते हैं, ठीक है, पर ज़्यादातर अक्सर ऐसा होता है कि एसिड्स प्रीडोमिनेट कर रहे होते हैं। बॉडी का काम यह है कि उसने एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन रखना है, ठीक है। अगर इनका बैलेंस रहेगा, पीएच नॉर्मल होगी, तो हमारे मैकेनिज्म्स प्रॉपरली वर्क कर सकेंगे। अगर पीएच नॉर्मल नहीं होगी तो क्या कहते हैं, आपका जो है बॉडी प्रोसेसेस वर्क नहीं कर सकेंगे। तो क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो जो है वो एसिड्स के तौर पे काम करते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं वो एज अ बफर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आपकी जो ओवरऑल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एसिड बेस बैलेंस को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर एनर्जी प्रोवाइडर। अच्छा, मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि ज़्यादातर बॉडी प्रेफर करती है कार्बोहाइड्रेट को एज अ फ्यूल, और अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं हो तो फैट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में और उससे फ्यूल बॉडी को डिराइव करती है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों नहीं होते हैं या कम होते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो फिर बॉडी जो है प्रोटीन को यूज़ करती है एज एनर्जी, ठीक है। प्रोटीन की जो कार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है, उसको वो कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकती है। लेकिन ज़्यादातर बॉडी कोशिश करती है कि प्रोटीन को एंड पर रखें, प्रोटीन को स्पेयर कर दें, क्योंकि अगर प्रोटीन एनर्जी के लिए यूज़ होना शुरू हो जाती है तो फिर जो प्रोटीन का अपने फंक्शंस हैं, जैसे हार्मोन्स बनाना, एंजाइम्स बनाना, उसके अलावा टिश्यूज़ की रिपेयर करना, जितने भी ब्रोकन डाउन टिश्यूज हैं उनको ठीक रखना, एसिड बेस बैलेंस बनाना, ठीक है, इस तरह की बाकी सारी चीज़ें, तो उसमें फिर प्रोटीन्स जो हैं हेल्प आउट नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर इस तरह की जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग है वो मुतासिर होती है। 1 ग्राम प्रोटीन सप्लाइज अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो कैलोरीज एनर्जी। जैसे कार्बोहाइड्रेट की 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसी तरीके से प्रोटीन की 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती है, जबकि फैट की 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती है। व्हेन टोटल एनर्जी इनटेक इज इनएडिक्वेट, मोर डाइटी प्रोटीन इज यूज टू हेल्प मीट द नीड फॉर एनर्जी, देयरफॉर लेस इज अवेलेबल फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस। द स्पेरिंग इफेक्ट दैट द डाइट इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट हैज ऑन द डिमांड फॉर डाइटी प्रोटीन इज एसेंशियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट फूड्स आर लेस एक्सपेंसिव देन प्रोटीन फूड्स।
तो इसमें एक तो चीज़ आती है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन या स्पेयरिंग इफेक्ट, वो यही है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर डाइट में होंगे तो वो प्रोटीन को स्पेयर कर देते हैं, ठीक है, और प्रोटीन फिर अपने काम के काम में लग जाता है जो उसका असल काम है, ठीक है। लेकिन अगर फिर और दूसरी इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट फूड दोनों इतने एक्सपेंसिव नहीं होते जितने प्रोटीन फूड एक्सपेंसिव होता है इन डाइट। जैसे आप देख लें, मीट, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क, ये सब आपके कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन सीरियल्स, वेजिटेबल्स, ये इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, ठीक है। तो वो यही चीज़ है कि अगर आपको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए प्रेफर करें आप कार्बोहाइड्रेट और फैटी फूड, बजाय ये कि आप अपनी हाई प्रोटीन डाइट कर लें, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, आपके फंक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, नेक्स्ट टाइम आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर योर कंसेंट्रेशन एंड अल्लाह हाफिज़।